ये क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है राइज नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4 देख रहे हैं हम लोग। और इसमें आज हम लोग देखेंगे 2.3। पिछले वीडियो में मैंने समझाया किस तरह से नेशनलिज्म यूरोप में फैला और वहाँ से आगे बढ़ा। तो यहाँ पर आज हम लोग देख रहे हैं न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1853, जो नेपोलियन के हार के बाद जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या हुआ, जो नए जो रूढ़िवादी लोग थे उनके हाथ में सत्ता चले गया नेपोलियन से। लोग उनसे जो कंट्री से जब बंटवारा किए, खासकर जो रसा ब्रिटेन ये सब जो प्रूसिया ये सब अलग अलग डिवाइड किए, तो उसके बाद वो लोग थे वहाँ पर जो फिर से मतलब जो फ्रांस में थे वो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी लोगों के पास चला गया। तो एक ये कह सकते कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद जन्म हुआ। रूढ़िवाद वो जो पुराने को चाहते थे, जो चाहते थे कि फिर से मोनार्की आए, लेकिन फिर से चर्च का दबदबा रहे, फिर से सोशल हेराकी रहे, जो कि जैसे फादर था वाइफ का उतना है, प्रॉपर्टी का, फैमिली शुड बी प्रिजर्व, जो औरत है बाहर काम करने नहीं चाहिए। तो इस तरह की बात थी, तो उसी को वहाँ पर समझाया गया है। लेकिन जो कंजर्वेटिव थे वो लोग ये समझ गए थे कि अब जो हम लोग मैंने जो ऑटोक्रेसी आना है, लेकिन हम लोग को मॉडर्नाइजेशन के साथ आना है, आधुनिकीकरण के साथ आना है। जो नेपोलियन ने जो सुधार किया था, तो वहाँ से उन्होंने समझा कि होना चाहिए बहुत ज़्यादा चीज़ होना चाहिए, मॉडर्न आर्मी होना चाहिए, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, नौकरशाह होना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या लिखा है, इसी को समझाया गया है। कंजर्वेटिव्स मैंने रूढ़िवाद जो यहाँ पर कंजर्वेटिव्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि पॉलिटिकल फिलोसफी, अगर राजनीतिक दार्शनिक रूप देखा तो डैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो परंपरा था उसको महत्व देना, स्टेबलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स, एक नया रीति रिवाज अपनाना, एंड प्रीफेयर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ क्विक चेंज, कि वो चाहते थे कैसा चेंज हो तुरंत चेंज हो। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन 1815, कि नेपोलियन के हारने के बाद 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय द स्पीड ऑफ कंजर्वेशन, कि यूरोपीय जो सरकार थी फिर से रूढ़िवाद की ओर बढ़ी। रूढ़िवाद मतलब कि वो ऐसे लोग जो परंपरा को चाहते थे, जो चर्च को चाहते थे, वहाँ की ओर बढ़ी। तो यहाँ पर ये देखना होगा कंजर्वेशन, ये कंजर्वेटिव बिलीव डैट स्टेबलाइज्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी, राज्य समाज में जो परंपरा जो संस्था था उसको लाया, जैसे लाइक द मोनार्की राजतंत्र है, चर्च का दबदबा है, सोशल हिराकी का दबदबा है, प्रॉपर्टी संपत्ति का जो जिस तरह से किसका दौरान हुआ, फैमिली शुड भी प्रिजर्व, परिवार को एक दायरा में रहना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिडंट परपज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ द प्री रेवोल्यूशनरी डेज, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, उससे पहले की स्थिति जैसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि राजतंत्र है लेकिन मॉडर्नाइजेशन के रूप में, आधुनिकीकरण के रूप में, रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन बाय नेपोलियन डैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की, कि आए लेकिन मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण के साथ, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, कि जो सत्ता हो वो ज़्यादा अच्छा से ताकतवर हो, मॉडर्न आर्मी होना चाहिए मैंने आधुनिक सेना होना चाहिए, एंड इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, नौकरशाह जो चलाते हैं जो परमानेंट जो तंत्र हैं वो मैंने इफिशियंट होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, डायनेमिक इकनॉमी होना चाहिए, इकनॉमी मजबूत होना चाहिए, एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म, जो मतलब कि जिस तरह से मैंने जो जमीन के मालिक बहुत लोगों के पास था उसको नहीं होना चाहिए, सर्वप्रथम मतलब कि और जमीन में जो काम करने वाले लोग थे जिसको दास कहा जाता था, ऐसे भूदास रहते हैं, वो स्ट्रेथन द ऑटोमेटिक मोनार्की ऑफ, उसको ताकतवर बनना चाहिए। तो इन 1815 जब नेपोलियन हारा वाटरलू में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स, जो चाहे ब्रिटेन हो, रसा हो, प्रूसिया हो एंड ऑस्ट्रेलिया, व्हेन कलेक्टिविटी ये कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, नेपोलियन के एक साथ रहा, मेट एट बियाना, बियाना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, टू ड्रॉ अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, कि अब जो फ्रांस जो हारा है, जो नेपोलियन हारा है, तो उसके जो क्षेत्र को क्या किया जाए। तो द कांग्रेस जो ट्रीटी ऑफ वियना जो था, कांग्रेस जो मीटिंग हो रही थी, वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर, जो कि वहाँ के चांसलर थे ऑस्ट्रेलिया के, जैसे जर्मनी ऑस्ट्रेलिया उसमें चांसलर होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, ड्यूक मेटर्निक, मेटर्निक बड़ा नाम है, आगे उन्होंने बहुत सारा चीज़ कहा यूरोप के बारे में, ये जानकार थे वैज्ञानिक थे, तो इसको उनको याद रखना था। द डेलीगेट्स जो प्रतिनिधि थे, डेलीगेट्स ने प्रतिनिधि जो थे, ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में 1815 में एक
लेखा जोखा तैयार किया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अंडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस डैट हैड कम अबाउट यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स, कि नेपोलियन युद्ध के बाद जो यूरोप में परिवर्तन आया था उसको क्या किया था। द बॉर्बन डायनेस्टी जो कि डिपोस्टिक था फ्रेंच रिवोल्यूशन में वो तबाह हो चुका था, विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज रिस्टोर टू पावर, फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को लाया गया राजतंत्र को। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरेटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, कि जो नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस ने जो जो क्षेत्र छेचा था उसको वापस ले लिया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट वॉज सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस, अब जो फ्रांस देश है उसके चारों ओर इस तरह से बंटवारा किया गया जो क्षेत्र था नेपोलियन जीता था, ताकि फ्रांस आगे से फिर जो इस तरह का हिम्मत नहीं करे, लड़ नहीं सके किसी दूसरे देश से। द सीरीज ऑफ स्टेट्स वॉज सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, जो नीदरलैंड का जो राजतंत्र था विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जो बेल्जियम के साथ वॉज सेटअप इन द नॉर्थ, उसको नॉर्थ की जिम्मेवारी दे दी, नॉर्थ है जो फ्रांस का नॉर्थ था वहाँ पर उसको नीदरलैंड और बेल्जियम को मिला। जेनोवा वॉज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ, पीडमोंट जो था ये पीडमोंट इसको कहा जाता है, पीडमोंट जो था वो पीडमोंट मैंने कह सकते हैं बाद में इटली जो यूनिफिकेशन हुआ तो पीडमोंट वहाँ पर इटली के साथ चले गया क्योंकि इटली भाषा लोग बोलने वाले थे, तो उसको जो जेनेवा को जो है वो पीडमोंट में दे दिया गया साउथ की ओर। नॉर्थ में आप देख रहे हैं कि नीदरलैंड और जो मैंने किंगडम था बेल्जियम को दे दिया गया वहाँ पर क्षेत्र था जो फ्रांस का। फिर जो प्रूसिया था वाज गिवेन, जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जब एकीकरण होगा तो वहाँ पर प्रूसिया इंपॉर्टेंट नाम है, उन्होंने नेतृत्व किया उसको एकीकरण करने में। इंपॉर्टेंट न्यू ट्रेटी ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर, इसको समझना को वेस्टर्न साइड जो फ्रांस का वेस्टर्न साइड है वहाँ पर प्रूसिया को दे दिया। वाइल्ड ऑस्ट्रेलिया वाज गिवेन कंट्रोल ऑन द नॉर्थ इटली, और जो इटली बनानी यूनिफिकेशन तो जो जो इटली के नॉर्थ में जो पड़ता था फ्रांस का यानी साउथ में जो पड़ता था वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया। लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का जो नेपोलियन ने बनाया था उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसको वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, छेड़छाड़ नहीं किया गया। अब उसके पीछे क्या कारण था उसको समझना होगा, वो चाहते थे कि ठीक है जर्मन का भी यूनिफिकेशन हो माने एक साथ लोग रहे। तो वाज लेफ्ट अनटच इन द ईस्ट, अगर पूरब की ओर देखें तो रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड का पार्ट जो फ्रांस जीता था, और प्रूसिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी, तो सैक्सनी का कुछ पोर्शन प्रूसिया को दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की डैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, इसका एक ही मकसद था कि फिर से यूरोप में राजतंत्र लाया जाए जो कि नेपोलियन ने तबाह कर दिया था, और क्रिएट ऑफ न्यू कंजर्वेटिव और नया जो रूढ़ीवादी है जो मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं उसके थ्रू है यूरोप। कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन द 1850 वर अन ऑटो ये वर ऑटोक्रेटिक, कि अब जो अब क्षेत्र आ गया 1815 के बाद तो वो राजतंत्र फिर से आ गया। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, अब वो लोग ये आप देखिएगा जहाँ जहाँ राजतंत्र आ गया तो वो जो अगर राजतंत्र का कोई आलोचना करते थे तो उसको मैंने कि बर्दाश्त नहीं करते थे। एंड डिसेंट एंड साउट टू कर्व एक्टिविटीज डैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो भी राजतंत्र के खिलाफ कोई प्रश्न उठाएगा उसको वहाँ पर तबाह कर दिया जाता था माने परेशान किया जाता था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ, और वहाँ पर प्रतिबंध कर दिया जाता था कानून को, चाहे प्रेस हो, न्यूज़पेपर हो, बुक हो, सॉन्ग हो, रिफ्लेक्ट एडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम का। अब यहाँ पर इस पिक्चर को देखेंगे जो कार्टून्स है इसको समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये एक माने कि क्लब है थिंकर्स का, जो विचारक का क्लब है, और इसको माने कि जो मैंने लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस किया है जो एनवंस कैरिकेचर दिया है डेटिंग टू 1820 का। द प्लेट ये प्लेट जो प्लेट है ऑन द लेफ्ट बियर द इंस्क्रिप्शन, वहाँ पर लिखा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टूडेज मीटिंग, जिस तरह का यूरोप में दिखाया गया कि राष्ट्र ने तबाह किया कि आज मीटिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कि हमें कब तक सोचने दिया जाएगा, कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमें कब तक सोचने दिया जाएगा, लेफ्ट में जो लिखा हुआ है। और द बोर्ड ऑफ द राइट लिस्ट द रूल्स ऑफ द क्लब, क्लब का नियम लिखा गया कि यह एक व्यंग है कि उस समय का जो राजतंत्र था यूरोप में क्या चल रहा था कि साइलेंस इज द फर्स्ट कमेंडमेंट ऑफ द लर्न सोसाइटी, कि पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी, कि आप यहाँ आ रहे हैं तो खामोशी रहे। टू अवॉइड द इवेंचुअली वेयर अ मेंबर ऑफ द क्लब मे कम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच, कि नहीं बोल पाए तो उसको मजर्स जिसको आज मास्क कहते हैं या मतलब कि मोहरे कहते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट मेंबर अपॉन द एक्सटेंशन, कि मुंह में वो लोग मास्क जो है उसको मजस कहा जाता है, तो वो होता है। ये कमेंट है कि आप ये लोग क्लब तो बनाया लेकिन यहाँ पर अगर आप क्लब में कुछ आलोचना करेगा राजतंत्र का तो हो सकता है कि राजा आपको सजा देते, ये कमेंट किया गया था। तो
तो एसोसिएट विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन ये नॉन्थ लेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन जो उदारवादी थे वो लोग इसको फिर से भुनाने की कोशिश किए, उन्होंने समझने का कि हम लोग को जो कानून के सामने इक्वल होना चाहिए सब कोई। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कि प्रेस की स्वतंत्रता होना चाहिए। अब क्रांतिकारी जो यहाँ पर जो हम लोग इस 2.4 का जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रांतिकारी लोग क्या किए, तो ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 कि 1815 के बाद वर्षों में क्या हुआ, द फियर ऑफ रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब दमनकारी, तो ड्रॉप मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, कि जो लिबरल थे उदारवादी थे या जो फिर मैंने कि राष्ट्रीयकरण करना चाहते राष्ट्रवादी नेता थे वो लोग छिप गए, अंडरग्राउंड हो गया। सीक्रेट सोसाइटी गुप्त संस्था बनाया गया, स्प्रंग अप इन द मेनी स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रीड देयर आइडिया, कि क्रांतिकारी को मैंने कि सिखाने के लिए जो गुप्त संस्था बनी, और वहाँ पर टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल मोनार्किकल फॉर्म, कि राजतंत्र का विरोध में एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस 1815 उसके बाद जो स्थिति था उसके लिए, टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम स्वतंत्रता, और जो मैंने कि हम लोग एकदम पूर्ण रूप से हो उसके लिए लड़ाई की शुरुआत हुई। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, कि जो भी क्रांतिकारी जो चाहते थे कि एक नेशन स्टेट बने, एक दे जिस तरह से आज हम इटली जर्मनी देख रहे हैं, ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन देख रहे हैं, यूएसए देख रहे हैं, तो उस तरह से एक नेशन स्टेट हो कि स्ट्रगल उसके लिए लड़ाई लड़ा जाए। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरी जो मैंने इटालियन जो क्रांतिकारी थे जीओस्पी मैजनी, बॉर्न इन जेनेवा, उनका जन्म जेनेवा में हुआ था 1807 में, ही बिकेम मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ, जो सीक्रेट सोसाइटी लाया कार्बोनरी एज अ यंग मैन ऑफ 24, 24 साल का युवा था जो मतलब कि मैजनी था जेएसपी मैजनी, और ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, और उसको मैंने कि एग्जाइल आप कह सकते हैं कि मैंने कि निष्कासन जिसको निर्वासन कहते हैं, निर्वासन में भेज दिया या तड़ी पार कहते हैं इन 1831 ऑफ द अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, लिगुरिया में क्रांति करने जाते हैं उनको देश निकाल दिया गया था, निर्वासन में भेज दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, उन्हें दो अंडरग्राउंड सोसाइटी और बनाया, यंग इटली इन मार्सलिस के जो एक संस्था था मार्सलिस में बनाया यंग इटली, फिर यंग यूरोप जो था बर्न बनाया जो कि स्विट्जरलैंड में, हुज मेंबर आर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, पोलैंड में बना, फ्रांस इटली जर्मनी स्टेट बना। मैजनी बिलीव्ड, उनका मानना था कि गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, कि गॉड जो है वो मैंने कि मानवता को पार्ट पढ़ाता है कि मानवता का पार्ट हो उसको मैंने कि वो बताता है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वॉज सेट अप इन जर्मनी, और उसने यूनिफिकेशन कहा इटली का, इटली का यूनिफिकेशन उन्होंने बड़ा हाथ था, और मैंने उस मॉडल को जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड पोलैंड लाया गया। मैजनी रिलेटेंट अपोजिशन फ्रांस स्विट्जरलैंड पोलैंड, मैजनी रिलेटेंट अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज फ्यूजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव। मेटेनिक डिस्क्राइब, जो कि मेटेनिक यही मेटेनिक है जिन्होंने ऑस्ट्रिया के जो मैंने चांसलर थे ड्यूक मेटेनिक, वही मेटेनिक ने कहा था कि डिस्क्राइब हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि समाज के लिए ये एक मैंने खतरा है, दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, खतरनाक है, तो ये वहाँ पर दिखाया था। तो इस तरह से ये पार्ट 4 फिनिश होती है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर।